नाम लिख दो खाली पर साहब। प्रेट सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर हाथ पीछे करो। सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर इस बात का ध्यान दिया जाए कि मास ऊपर करो। सुजाता के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर बिना मास्क का बिना सैनिटाइजर का बिना टेम्परेचर का सुजाता के अंदर एंट्री नहीं करेगा। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर इस बात का ध्यान रखे कोई भी सुजाता का कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अधिकारी ऑफिसर बिना मास्क का बिना सैनिटाइजर का बिना टेम्परेचर का अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ओके सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर जो भी सुजाता में ड्यूटी करता है वो इस बात का ध्यान रखे कि जो भी सामान जो भी मटेरियल जो भी बॉक्स अगर जाता है या आता है उसको चेक करना है, उसके कागज़ चेक करना है, दोनों को टैली करना है और मिलाना है कि इसमें क्या सामान है, बॉक्स खाली है या भरा है, इसको चेक करना है। कागज़ में देखना है कि सामान कितना क्वांटिटी है, कितना है, 100 है, 50 है, 1000 है, 10 है, 5 है, आपको चेक करना है और गाड़ी को भी चेक करना है और जो बॉक्स है उसको चेक करना है कि बॉक्स खाली है या भरा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बिना चेकिंग करे हुए बिना कागज़ के कोई भी गाड़ी अंदर बाहर नहीं जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बिना चेक किए हुए स्टाम्प और सिग्नेचर नहीं करेगा, बिना चेक किए हुए कागज़ ड्राइवर के हाथ में नहीं देगा। जब तक गाड़ी चेक नहीं होगी जब तक ड्राइवर को कागज़ नहीं मिलेगा। गाड़ी की चेकिंग कैबिन डिक्की अंदर में जो सामान है सबको चेक करना है, उसके बाद गाड़ी छोड़ना है। जब तक बड़े सेठ का आदेश नहीं मिलता है कोई भी सामान ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। छोटे सेठ का ऑर्डर छोटा मालिक ओनर का ऑर्डर नहीं चलेगा, बड़ा सेठ का ऑर्डर और मालिक का हुक्म चलेगा। अगर छोटा सेठ का फ़ोन आता ये गाड़ी छोड़ दो, जब तक बड़े सेठ से परमिशन नहीं मिलता वो गाड़ी नहीं छोड़ना। क्लियर कट सुपरवाइजर, बात सही है क्या गलत? जब तक अगर छोटे सेठ ने फ़ोन किया फला फला गाड़ी छोड़ दो, आपका काम है बड़े सेठ से कांटेक्ट करना उनसे परमिशन लेना तभी वो गाड़ी अंदर बाहर जाएगा, वरना गाड़ी नहीं जाएगा।